दोस्तों दरअसल हम अपने इस चैनल पर शुरू से ही शॉर्ट वीडियोस ही अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अब से इस चैनल पर लॉन्ग वीडियोस भी आया करेंगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज हम इस्लाम के इतिहास पर बनने वाले 5 ऐसे सीरियल्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। चलिए इस्लाम के इतिहास पर बनने वाले सबसे बेहतरीन सीरियल्स के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 5 पर नाम आता है सुल्तान अब्दुल हमीद सीरियल का। दरअसल यह सीरियल सल्तनत उस्मानिया के 34वें और आखिरी सबसे ज्यादा ताकतवर सुल्तान की जिंदगी पर बनाया गया है। सुल्तान अब्दुल हमीद को इस्लाम का आखिरी खलीफा माना गया है। दरअसल इस सीरियल को तकरीबन पूरी दुनिया में ही देखा जाता है और ज्यादातर इंडिया और पाकिस्तान में ही इस सीरियल को देखने वाले लोग मौजूद है। नंबर 4 पर नाम आता है बारबरोसलाल सीरियल का। दरअसल बारबरोसलाल सीरियल उस खैरुद्दीन बारबरोसा की जिंदगी पर बनाया गया है जिसने खिलाफत उस्मानिया को समुद्रों का बादशाह बना दिया था। और इस सीरियल की एक खास बात यह भी है कि इस सीरियल में अर्तुरुल गाजी के मेन हीरो यानी के एल्गिन अल्तान मौजूद हैं। नंबर 3 पर नाम आता है उमर सीरीज का। दरअसल उमर सीरीज फारूक आजम की जिंदगी पर बनाई गई है। इस सीरीज में मक्का और मदीना का 1400 साल पहले का दौर दिखाया गया है और यह सीरियल यूट्यूब पर भी मौजूद है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है कुरुलुस उस्मान सीरीज का। दरअसल कुरुलुस उस्मान सीरियल तुर्की के सबसे ज्यादा फेमस सीरियल्स में से एक है। इस सीरियल में उस्मान गाजी की जिंदगी के बारे में दिखाया गया है जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। और नंबर 1 पर जिस सीरीज का नाम आता है उसको तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अर्तुरुल गाजी की। दरअसल अर्तुरुल गाजी दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस सीरीज है। इस सीरीज में उस दौर को दिखाया गया है कि जब मंगोलों का पूरी दुनिया पर राज हुआ करता था, लेकिन अर्तुरुल गाजी ने मंगोलों से कई जंगें लड़ी और मंगोलों से अपने कबीले को महफूज रखा। अर्तुरुल गाजी एक कमाल की सीरीज है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।